बीते साल उत्तराखंड की चमोली में आई आपदा ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। उन्हीं में से एक सवाल था समय पर आपदा के आने का पता चलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समय रहते जान बचाई जा सकती। ऐसी तकनीकें क्यों हम संवेदनशील जगहों के लिए इस्तेमाल में नहीं ला सके। लेकिन एक साल बाद ही सही, अब जाकर NTPC एक प्रभावी योजना बना रहा है। अमर उजाला में छपी प्रमोद सेमवाल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक NTPC ने धौलीगंगा और अलकनंदा के जल स्तर पर नजर रखने के लिए नदियों के किनारे सेंसर लगाने की योजना बनाई है। इससे होगा ये कि नदियों का जल स्तर बढ़ने पर इसकी जानकारी या कह लीजिए कि अलर्ट पहले ही कंपनी को मिल जाएगा और सबसे पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे अधिकारी, मजदूर और आसपास के ग्रामीण इससे सावधान हो जाएंगे और वहां से वक्त रहते निकल पाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 7 फरवरी को आई रैणी आपदा में ऋषिगंगा जल विद्युत परियोजना मलबे में दफन हो गई थी और वहीं तपोवन जल विद्युत परियोजना के बैराज और टनल में मलबा घुस गया था। आपदा के असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आपदा में 206 लोग लापता हो गए थे, तो वहीं एक साल बाद भी तपोवन की टनल से आज भी शव मिलने का सिलसिला जारी है। SDRF की टीम ऋषिगंगा झील पर मुहाने को बड़ा करके पानी का डिस्चार्ज बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो यहाँ पर टीम इस समय कार्य कर रही है, इसमें SDRF के 10 जवान, 12 पोर्टर और एक ITPP का जवान मौजूद है। कुल लोग 23, कुल 23 लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और पानी का डिस्चार्ज भी बढ़ाया गया है। हाल ही में यहाँ से 2 शव बरामद किए गए हैं। इस आपदा के परिणामों से सबक लेते हुए NTPC अब सजग हो गई है और अब वो तपोवन और विष्णुप्रयाग क्षेत्र में नदियों के जल स्तर पर नजर रखने के लिए सुराईथोटा, रैणी और गोविंद घाट में कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे नदियों के जल स्तर पर नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण इस इलाके में भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ से खतरा बना रहता है। लेकिन एक सच ये भी है कि आपदा के बाद की जाने वाली कवायदें हमेशा ही नाकाफी और नाकाम साबित रही हैं। आपदा आने के तुरंत बाद हरकत में आने वाली सरकारें धीरे धीरे इन कामों में उदासीन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से खतरे की पूर्व चेतावनी देने वाला विश्वसनीय तंत्र यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की बात कही गई थी, लेकिन इस ओर पुख्ता काम नहीं हुआ। वहीं चमोली आपदा की ही बात कर लें तो यहां भी SDRF की ओर से ऋषिगंगा के पास ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया था, लेकिन SDRF के यहां से जाने पर वो ये सिस्टम निकाल कर ले गए। तब से यहाँ कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है जो आपदा की आहट होने पर यहाँ लोगों को सावधान कर पाए। तो कुल मिलाकर आपदा को साल भर से ज्यादा हो गया। अगर वक्त रहते ये अर्ली वार्निंग सिस्टम लग जाता, जो कि अभी तक भी नहीं लगा, अगर ये उपकरण पहले लगा होता तो 200 लोग बच जाते, जिनके शव आज भी साल बीतने पर रोज निकल रहे हैं। क्या ये सीधे सीधे सरकार और संबंधित कंपनी की एक बड़ी लापरवाही नहीं है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए रायशुमारी को जरूर सब्सक्राइब कर लें।